Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. It's another day of vlogging and welcome back to another vlog. So it's roza number 10. Sari 10 roze ke liye hum log kar rahe hain, theek hai. Aaj main thoda late ho gayi thi kyunki na editing thodi bahut hi lamba vlog bana hua tha. Itna lamba, aadhe ghante ka vlog maine usko karna tha 7-8 minute mein. Kafi technical tha, abhi bhi thoda rehta hai, usko hum karenge, theek hai. Aur sari ban chuki hai aaj. Sari mein ji ande ki bhuji aur saath rotiyan hain. Aaj parathe nahi hain. और मामा ने बना ली है चाय. तो व्हाट वी आर गोना डू इज सहरी अब्दुल्ला लड्डू. व्हाट मामा अब्दुल्ला को सहरी के लिए उठाने गई है और मामा भी लाइक अब्दुल्ला लड्डू. मामा ये अब्दुल्ला लड्डू कौन है? अस्तग़फ़िरुल्लाह मॉम स्टॉप. अस्तग़फ़िरुल्लाह अंडा डाल के दो यार. कोई बात नहीं यार. हाँ ये मेरी सिस्टर सबसे पहले सारी के अंदर फाड़ी हो जाती है. मामा जरा ये अंडा डालना. मैं पता है चाय को पानी की तरह पीती हूँ सारी के अंडे. यार मामा आपका लड्डू बुला रहे. 10 मिनट 30 मिनट मेरी चाय मेरा खाना मेरा अट करी रोला हो जड़ा सी. लेट्स ईट यू ऑल. मैं आप लोग खा के मिलती हूँ. तो ना सबने सैरी वगैरह कर लिया. एंड इफ़ यू थिंक आई एम लुकिंग बैड तो रात के नहीं, बिट के सूरज निकलने वाला है. तो इतने पहर पे ना कोई फैशन शो तो चल रहा नहीं होगा, है ना. तो मैं ऐसे ही लग रही हूँ, मैं बस सोने जा रही हूँ, ठीक है. इसको सोते हैं जाके, उठना भी है चीप. खैर लेट्स गो, लेट्स स्लीप फॉर अ वाइल. चल जाओ निकलो. मॉर्निंग एवरीवन, आई एम रेडी ड्रेस्ड. मैं पूरी तैयार होके अब मैं सोचा व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ. वाला ही आउटफिट पहना है. और अब का सीन है कि अंकल आने वाले हैं थोड़ी देर में. कल मैंने मामा से पूछा नहीं था मैं कैसी बैठ रही हूँ, तो आज जाके हम अम्मी से पूछ आते हैं कि हम कैसे लग रहे थे. ये ना भेजना अकबर. मेरी मम्मा स्ट्रिके करती हैं. या अंकल का वेट करते हैं. इज हियर लेट्स गो. आज धूप नहीं निकली अभी तक. व्हाट ऐसे कैसे हो सकता है? मैं एंटर हो गई हूँ यूनिवर्सिटी में और अब मुझे आपके याद आ रहा है कि मैं लैब कोट घर में लाई हूँ. आज लैब थी लेकिन लैब 11:20 पे होती है और 12 बज रहे हैं, अभी तक शुरू नहीं हुआ. तो होपफुली कैंसिल ही हो जाए. ओके गाइस, वी आर इन यूनिवर्सिटी और आज हमारे न्यूट्रिशन का लेक्चर नहीं क्योंकि हमारी न्यूट्रिशन की सारी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं. और आज हमारे सिर्फ एक लैब थी और वो हुई नहीं है इतनी कोई फास्ट, ठीक है. और उन्होंने लैब कोड भी नहीं लाई, इसलिए मैंने शुक्र मनाया. तो अब उसका सीन है कि हम वेट ही करेंगे कोई क्लास हो या तो फिर हम लोग सारा दिन आज फ्री हैं, बस बैठे हुए हैं, पेपर की डिस्कशन वगैरह कर रहे हैं. मंडे की डेट शीट आ चुकी है फाइनल, वो डिस्कस कर रहे हैं. और अब आप लोग को दिखाते हैं उन उशनों खेलेंगे, मजा आएगा. लेट्स गो गाइस. यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट इतना अच्छा मौसम हो गया. यार सही. ओके गाइस, वी आर डन विद द डे. आज मौसम इतना सुहाना था ना, और ये देखें कितनी अच्छी लग रही थी आज. ड्रेस दिखाओ. वाओ जी, आज मैंने इसकी स्पेशल आके फौरन तारीफ की है कि मैं तारीफ कर रही हूं इनके साथ रह के. फिर मुझे भी और नहीं जी, हम कहां, आप खूबसूरत, हम खूबसूरत. असल बात ये है हम दोनों खूबसूरत. और ये सिर्फ हम नहीं कहते खुद ही अपने आप. वी आर गोइंग होम सेकंड लास्ट ऑफ फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर. हां उसके बाद हमारे जी पेपर्स हैं और फिर हम आपको मिलेंगे सीधा दूसरे सेमेस्टर इंशाल्लाह. ईद भी आएगी यार. ये कांट वेट टू सी यू. कांट वेट टू सी यू ऑन ईद. वेलकम बैक यू गाइस. मैं आ गई हूँ यूनिवर्सिटी से. मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ. आज ना कोई क्लास नहीं थी, लैब थी, वो इतनी खास हुई नहीं. बस 2-4-5-6 मिनट सर ने पढ़ाया, उसके बाद हम फ्री हो गए.
और हम लोग आज सारे दिन बैठे रहे, मौसम अच्छा हो गया था तो एक ही जगह पे बैठे रहे, बस बातें करते रहे करते रहे करते रहे, और इसी तरह हमारा सारा टाइम गुजर गया। सो या अब मामा ने, मामा आज आप क्या बना रही हो? व्हाइट सॉस पास्ता। वाओ, मैं आप लोगों को फ्रेश वगैरह होके इफ्तारी पे कैच करती हूँ। ओके गाइस, मैंने अभी अभी शावर लिया, मैंने बाल भी कॉम नहीं किए, इसे थोड़े मेसअप लग रहे हैं, इफ्तारी का टाइम हो गया, दुपट्टा उठाते हैं, निकल बाहर को, नहीं तो किसी ने अंदर आ जाना मुझे उठाने। लेटी हुई थी मैं, रेस्ट करेंगी। इफ्तार इज रेडी। ये केमा वाला पास्ता भाई के लिए, ये प्राइस, ये हमारा अल्फ्रेडो पास्ता। केमा किसने कहा ये हेल्दी है? चिकन में भी प्रोटीन है और इसमें भी प्रोटीन है। और ये सालन। हम अफ्तार का वेट कर रहे हैं, अफ्तारी होगी फिर हम अफ्तार करेंगे, तब तक हम दुआ मांगेंगे। Approximately 10 hours later. Guys, मैंने अफ्तारी वगैरह कर ली थी और उसके बाद मैं कर रही थी रेस्ट। अब मैं आ गई हूँ अपने लैपटॉप के सामने, क्योंकि मंडे को है जी मेरा पेपर। अब फाइनल डिसाइड हो गया कि मंडे को कौन सा पेपर है। सबसे पहले मंडे को न्यूट्रिशन का पेपर था, उसके बाद कंप्यूटर का पेपर हो गया, और अब जाके डिसाइड हुआ है कि मंडे को पार्क स्टडीज का पेपर है। और जी, पार्क स्टडीज सबसे मुश्किल है क्योंकि वो इंग्लिश में है और मैंने कभी इंग्लिश में पढ़ी नहीं है। बट आज तुम अफ्तारी पे नहीं थे, किधर थे? किसके घर? पढ़ाई वगैरह मेरी हो चुकी है, ठीक है। मेरे से इफ्तारी में कुछ खाया नहीं गया बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। लेट्स सी हम लोग क्या खाते पीते हैं। फ्रूट चाट तो मस्ट है, वो मैं इसी टाइम खाती हूँ ज्यादातर रोज पबजी खेलते हुए, और साथ हम लोग देखते हैं कि पास्ता पड़ा हुआ है वैसे, लेकिन मेरा खाने का दिल नहीं है, पता नहीं तबीयत अजीब है, वो रोज रख रख के भी इंसान की तबीयत अजीब हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। पानी का हम थोड़ा इंटेक ज्यादा करते हैं, किडनियों में दर्द होने लग गई है यार। और अब्दुल्ला का कल पेपर है और अब्दुल्ला सोने लगा है, ठीक है। हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम लाइटें वगैरह ऑफ करके निकलते हैं, बाहर चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। मेरी आज कल नींद नहीं पूरी हो रही मेरी ना, इसलिए भी मुझे लगता है तबीयत खराब रहती है। आगे तो पेपर है, खैर अभी और नींद पूरी नहीं होगी, तो खैर इस बातों को छोड़ते हैं। आई होप यू पीपल लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आप लोगों को मिलती हूँ कल इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मजे दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बिफोर पीपल, स्लीप टाइट।